औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ख्र अहमद है और मैं बतौर ज़रई माहिर टारज़न ज़रई मरकज़ फोर ब्रदर एग्री सर्विसेज में आप दोस्तों की खिदमत अंजाम सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि धान की जो आने वाली फसल, जो इस वक्त धान की मौजूदा फसल है, उसके हवाले से हम अपनी ज़मीन को कैसे तैयार करेंगे और एक एकड़ में कितने पौधे लगाएंगे ताकि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने अपनी धान की पनीरी लगानी है अच्छी पैदावार लेने के लिए, आप उस पनीरी को ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन बाद शिफ्ट कर देंगे। पनीरी जो कि लगी हुई है, उस पनीरी को 25 दिन हाथ आपकी जो है वो 30 दिन बाद अपनी पनीरी को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करते वक्त आपने क्या करना है, नंबर एक, जब आप पनीरी शिफ्ट करनी है तो पनीरी जो भी निकाल रहे होंगे खेत से, पनीरी शिफ्ट करने से पहले टारज़न ज़रई मरकज़ का प्रोडक्ट एरोसेल, उसके साथ आप पनीरी को ट्रीट करेंगे ताकि जो पनीरी के साथ फंगस शिफ्ट होना है उससे हम बच सकें। दूसरा अहम मसला, सबसे अहम चीज़ कि ज़मीन तैयार कैसे करनी है। हमने जो ज़मीन कल्टीवेट करनी है, हमारे कुछ दोस्त जो खाद का प्रोसेस करते हैं, वो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो जब हल चलाते हैं, हल चलाने से पहले खाद अपनी डाल देते हैं। जबकि मेरी अब राय के मुताबिक दो मुख्तलिफ राय हैं। सबसे पहले कि अगर आप, यहाँ पे मेरे दोस्त गलती कर रहे होते हैं, अगर आप जब हमारी ज़मीन को कद्दू करते हैं, कद्दू करने के बाद, नंबर वन, कद्दू करने के बाद आप डीएपी को छटा करें और डीएपी के साथ ऑर्गेनिक सुपर का छटा करें, तो उस डीएपी से अच्छा रिजल्ट आएगा जो डीएपी आपने हल चलाते वक्त डाली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम ज़मीन को कद्दू कर रहे होते हैं तो हमारी डीएपी 3 फुट तक नीचे चली जाती है, जो कि हमारी फसल के रूट जोन से आउट हो जाती है। हमें जो कि हमारी धान की फसल की जो रूट जोन है, ये जो कि फीडिंग रूट्स छोटी होती है, इसलिए जब हमारी खाद रूट जोन से नीचे चली जाती है तो ये मुकम्मल तरीके से खाद ले नहीं पाती। हम क्या करेंगे, हम कद्दू से पहले खाद डालने की बजाय हम या तो कद्दू करने के बाद पनीरी शिफ्ट करने से पहले, जब पानी फुल होता है, कद्दू मुकम्मल हो जाता है, उस वक्त एक बैग ऑर्गेनिक सुपर का और एक डीएपी का बैग छटा कर देंगे। नहीं तो दूसरा प्रोसेस क्या है, हम इसको पनीरी जब शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट करने के 8 दिन बाद डीएपी के साथ ऑर्गेनिक सुपर टारज़न का जो ब्रांड है उसको मिक्स करके छटा करेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी डीएपी, हमारी खाद मुकम्मल तौर पर हमारी फसल के रूट जोन में रहेगी और हमारी फसल मुकम्मल उस खाद से इस्तेफादा हासिल कर सकेगी। हम हमने करना क्या है, जो ही हमने पनीरी शिफ्ट कर ली, पनीरी शिफ्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या ये करना है कि पनीरी शिफ्ट करते वक्त हमने इस बात की तसल्ली करनी है कि हमारी फसल में कम अज़ कम 80,000 सौराख, उसमें 80,000 पौधा होना ज़रूरी है। हमारे दोस्त सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम एकड़ पूरा, उस एकड़ की खुराक पूरी दे रहे होते हैं, जबकि हमारे पौधे 50 से 60,000 पौधा होता है, जिस वजह से हमारी पैदावार कम हो जाती है। ये सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्तों। अगर हम पौधे पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम पैदावार लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। उसका तरीका यही है कि हम जो प्रोफेशनल लेबर है, प्रोफेशनल लेबर से हम अपने धान की पनीरी लगवाएं ताकि हमारे 80,000 पौधा पूरा हो और हमें पूरी पूरी पैदावार हासिल हो सके। अब हमने पनीरी शिफ्ट होने के बाद क्या करना है, 3 दिन के बाद हम जड़ी बूटी मार स्प्रे करेंगे, स्प्रे का छिड़काव करेंगे। वो कैसे करना है, हमने टारज़न मरकज़ का स्प्रे टॉप क्लोर मौजूद है 800 ml की पैकिंग में,
उस 800 ml को हमने शेकर बोतल में लेकर शेक करना है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त किसान भाई गलती कर जाते हैं, वो अहम गलती क्या है, वो गलती ये है कि हमारे दोस्त शेक जब करते हैं, हम आगे रख के शेक करते हैं, सीधे पाँव से शेक करते हैं, उससे क्या होता है कि जो जड़ी बूटी मार स्प्रे ने लहर बनानी है वो ख़त्म हो जाती है। इसका बेहतरीन नतीजे के लिए हमने जब भी शेकर बोतल से छिड़काव करना है टॉप ड्रोर का, तो हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे उल्टे पाँव, मतलब आगे से छिड़काव करते जाएंगे और बंदा पीछे पीछे जाएगा, नंबर एक। और नंबर दो, जिस फसल में टॉप क्लोर छिड़काव कर देना है, 3 दिन तक ना उस जमीन में पानी लगाना है, ना उसमें किसी बंदे ने दाखिल होना है, और कोशिश करनी कि उसमें कोई जानवर भी दाखिल ना हो। अगर कोई जानवर दाखिल हो गया या बंदा दाखिल हो गया तो उससे वो जड़ी बूटी वाली लेयर खत्म हो जाएगी और जड़ी बूटियों का उगाव शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है, इस गलती को हमने साफ करना है, इस गलती को हमने तस्हीह करनी है कि उल्टे पाँव स्प्रे छिड़कते जाना और 3 दिन तक हमने उस फसल का ख्याल करना कि उस एकड़ में जिसमें हमने जड़ी बूटी पर स्प्रे छिड़क दिया वहाँ पे 3 दिन सब का दाखला मना है। अब आगे 3 दिन के बाद, 8 से 10 दिन बाद, जैसे मैंने पहले बताया कि DAP के साथ ऑर्गेनिक सुपर 1 बैग मिक्स करके हम छटा करेंगे, छटा करने के बाद ताकि वो हमारा रूट जोन में फसल को खुराक मिलती रहे। अब अगला प्रोसेस क्या है, आगे हम फसल हमारी 15 से 18 दिन में अगर जड़ी बूटियां हो जाती हैं दोबारा, पहली बात तो यह है कि हमने टॉप क्लोर छिड़का है, जड़ी बूटी नहीं होगी। हाँ, कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनमें डीला फिर भी निकल आता है, अगर डीला या रूट जो हमारा लेयर टूट गई और हमारी जड़ी बूटियां दोबारा उग गई तो उसके लिए हम टार्जन मरकज का ब्लूबेल गोल 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमने मैंने 3 प्रोडक्ट बताए हैं, ऑर्गेनिक सुपर, ब्लूबेल गोल और टॉप क्लोर का, तीनों के बारे में बताऊंगा कि असल इनमें असल जहर क्या है, असल जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि इसमें मौजूद क्या है। ऑर्गेनिक सुपर 10 kg का बैग है और 10 kg का 10 kg ही पौधे के लिए खुराक है। मिसाल के तौर पे इसमें 3 किलोग्राम प्रोसेस्ड सल्फर है। प्रोसेस्ड सल्फर होता है जो ऐसा सल्फर जो खुराकी अज़ा के लिए फौरन तैयार पौधे को मिल जाए। 3 किलोग्राम प्रोसेस सल्फर, 3 किलोग्राम इसमें पोटाशियम ह्यूमेट है। अब पोटाशियम ह्यूमेट इसमें 3 किलोग्राम मौजूद है ताकि हमारी ज़मीन जरखेज हो सके। ये 6 किलो हो गया और 3 किलोग्राम इसमें सी वीड एक्सट्रैक्ट है, मतलब समंदरी जड़ी बूटियों का अर्क है। ये 9 किलो हो गया मेरे दोस्तों। अब 1 किलो में 150 ग्राम चिलिटेड जिंक मौजूद है, 250 ग्राम इसमें पल्विकेशन मौजूद है, ये 400 ग्राम हो गया, 300 ग्राम इनमें 300 ग्राम इसमें है जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनन और ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब के रूट प्रोमोटिंग हार्मोन मौजूद है, और 300 ग्राम इसमें NPK और बाकी चीज़ें इसमें मौजूद है। ये 10 किलो का बैग पूरे का पूरा हमने एक एकड़ के प्लांट्स के लिए पूरी खुराक मुकम्मल कर दी है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि टॉप क्लोर ही क्यों इस्तेमाल करें बाकी जड़ी बूटियों के मुकाबले में। टॉप क्लोर बेसिकली हमें लफ्ज़ ये मिलता है कि इसमें टॉप क्लोर में आम जहरों की तरह ये भी जहर है। अब फ़ायदा क्या होगा इसका, असल में धान की फसल के लिए ज़रूरी है कि ऐसी दवा इस्तेमाल की जाए जो हमारे पौधे को स्ट्रेस ना दे। अब स्ट्रेस कौन सी चीज़ नहीं देगी, टॉप क्लोर स्ट्रेस नहीं देगी। ये सिर्फ ब्यूटा क्लोर नहीं है, आम ब्यूटा क्लोर पौधे को रोकता है, इसमें ये क्या करेगा। अब ये टॉप क्लोर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये साथ में जड़ी बूटियों के साथ 1 बैग यूरिया का फायदा भी करेगा। वो कैसे, क्योंकि इसने पौधे को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना, सारे का सारा खुराक लगेगी और पौधा फलेगा फूलेगा, और मतलब ये
कि इस तरह ये पौधे की रंगत बहाल करेगा कि एक बैग यूरिया लग जाएगा। धान की फसल में सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज ये है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों ने, कि जब धान का आप एक पौधा पकड़े तो उसमें टिलर कितने होते हैं? ऑन एन एवरेज 60 टिलर होते हैं। जो दरमियाने लेवल की फसल होती है उसमें 32 से 40 टिलर होते हैं। देखें उसमें यूजफुल टिलर कितने हैं? 12 से 15। अब हमने ऐसी दवाई अगर इस्तेमाल कर ली जिसने हमारे उन यूजफुल टिलर में से कोई एक भी टिलर डैमेज कर दिया, उसको स्ट्रेस दे दिया, आपको एक एक टिलर नजर आएगा ना, मतलब ये कि हमारे फसल में, हमारे एक एकड़ में 80,000 टिलर मौजूद है, 80,000 पौधा मौजूद है। अगर उस 80,000 में से हर पौधे का एक टिलर डैमेज हुआ, मतलब हमने 5 से 8 मन पैदावार डाउन कर ली। हमने क्या करना है, हमने ये टॉप क्लोर इसलिए मशवरा दे रहे हैं ताकि हमारी फसल को स्ट्रेस ना दे और एक भी यूजफुल टिलर ज़ाया ना हो सके। तीसरा मैंने स्प्रे बताया ब्लू बेल गोल्ड, वो हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है कि फसल को ऊपर आने वाले तमाम तर स्ट्रेस से बचाएगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ब्लू बेल गोल्ड टार्जन का है, उसमें 2 जहर मौजूद है। सबसे अहम बात कि वो फसल से ऊपर आने वाला हर स्ट्रेस, हर दबाव ख़त्म करेगा और जड़ी बूटियाँ, चाहे नोकीला पत्ता है चाहे चौड़ा पत्ता है, तमाम तर जड़ी बूटियों को मुकम्मल तलब करेगा ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें।